यहाँ दोस्तों पानी से कैसे आप दिए जला सकते हो बिना तेल के। चलिए वीडियो में तक बने रहेगा, साथ में सेफ्टी पिन और बोतल की भी जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा सा ट्रिक शेयर कर रहा हूँ, जो कि कम बजट में आप अपने घर को दिवाली में डेकोर भी कर सकोगे और बिल्कुल कम तेल और पानी से कैसे दिए जला सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए, और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और बहुत ही शॉर्टकट में आपको बताने वाली हूँ, जो कि अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप देखिए, आप कटोरी में भी पानी से दिए जला सकते हो और दिए में भी पानी से दिए जला सकते हो। तो सबसे पहले आप जब भी दिए लेते हो ना, तो नया लेते हो ना, तो आप क्या कीजिए, इसे 2 मिनट के लिए इस तरीके से पानी में डुबो करके छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि इस जो मिट्टी से जो जो आग से पक के आती है ना, तो ये बिल्कुल सूखी हुई रहती है। आप इसमें जैसे ही डायरेक्ट नए दिए में तेल डालोगे ना, सारे तेल जो है ना दिया सोख लेगा और आपका जो है ना फ्लोर भी गंदा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इस तरीके से दिए को डुबो दीजिए 2 मिनट के लिए, जितना भी पानी इसको सोखना होगा सोख लेगा। उसके बाद देखिए क्या करना है, तो इस तरीके से हमने इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देखिए कैसे बुलबुले बन रही। वैसे तो ये धुले हुए हैं, लेकिन आप इसे इस तरीके से नए दिए को जरूर धुलिएगा, मतलब 2 मिनट के लिए जरूर छोड़ दीजिए, कम से कम 2 मिनट, हो सके तो आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो। अब दिए जलाने के लिए हमें तो बाती की ज़रूरत भी पड़ेगी दोस्तों, और दिए बावली में जो है ना बहुत सारी बाती लगती है, तो आप घर पे कैसे फटाफट से आप मिनटों में बहुत सारी बातियाँ तैयार कर सकते हो। चलिए वही मैं आपके साथ वो भी शेयर कर ले लूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 दिए मैं बनाने वाले हैं, तो उसके लिए 3 बाती तो हमें चाहिए ही होगा। तो फिलहाल अभी मेरे पास बना हुआ नहीं है, तो कॉटन है, तो सबसे पहले आपको कॉटन को अच्छे से इस तरीके से धुल लेना है, क्योंकि ये जमे हुए रहते हैं, गांठ पड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से आपको धुल देना है, थोड़ा सा धुल दीजिए, कॉटन जो है ना बहुत सारा फैल करके हो जाता है। अब जितनी भी बातियाँ बनानी है ना, उसके लिए आपको इस तरीके से जो है ना कॉटन को हल्का हल्का इस तरीके से आपको फैला के रख लेना है। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, आपको जो है ना बिल्कुल अभी से ही दीपावली की तैयारी करना कर लेंगे ना, तो आपको कोई चीज़ जो है ना मतलब जल्दबाजी नहीं होगी, आप बड़ी आराम से सारी चीज़ें मैनेज कर लोगे, क्योंकि घर की सफाई भी करनी होती है, घर को सजाने के लिए चीज़ें भी बनानी पड़ती है, दिया बाती हर चीज़ करना पड़ता है। तो अभी से ही आप इस तरीके की चीज़ें आप तैयारी करके रख लीजिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए ठीक है, इस तरीके से हमने रख लिया है। अब हमें चाहिए होगा एक स्टिक, तो यहाँ पे स्टिक देखिए ये काफ़ी ज़्यादा पतला चाहिए, तो हमने एक अगरबत्ती ले लिया है, और अगरबत्ती को जो है ना इस तरीके से इसके मसाले को निकाल लीजिए। ठीक है, अगरबत्ती तो नॉर्मली मिल ही जाते हैं सबके घरों में, तो हमने देखिए यहाँ पे इस तरीके से मसाले को निकाल लिया है। अब देखिए कैसे एक स्टिक की हेल्प से आप जो है ना बहुत सारी बातियाँ बना सकते हो मिनटों में। अब देखिए इस तरीके से आपको इसमें लपेटना है, और देखिए ये देखिए हमारी बाती जो है ना बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी बाती, मोटी इससे भी पतली, जैसा चाहे आप उस तरीके की बाती जो है ना बिल्कुल बना करके तैयार कर सकते हो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये बन के बहुत ही सुंदर से तैयार हो जाती है। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरह। अगली जो स्टेप है उसके लिए देखिए हमें चाहिए होगा बॉटल का एक छोटा सा टुकड़ा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास बॉटल जो है ऑलरेडी फटा हुआ था, तो मैंने इसी का यूज कर लिया है। देखिए इस तरीके से हमें बॉटल का टुकड़ा ले लेना है, और एक गोल सा शेप देते हुए हमें इसे कट कर लेना है। कोई प्लास्टिक की कुछ भी चीजें ले सकते हो जो थोड़ा सा हार्ड हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 2 या 3 बना लेने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से 3 जो है ना पत्तियां कट कर ली है। अब देखिए इसमें होल कैसे करना है आपको, तो आप इसे चाहे तो आप चाकू को गर्म करके भी होल बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है, एक कट लगाना है, और फिर से आपको इस तरीके से अपोजिट होल इस तरीके से कट लगाएं, यानी कि प्लस का निशान लगाते हुए इसे हमें कट कर लेना है। ये देखिए तो ये जो है ना ये बहुत अच्छे से बाती को पकड़ के रखती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारे में होल बना लेंगे। देखिए हम 3 चीज़ें ले ले रहे हैं, अब हम इसमें डाल देंगे पानी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी से ही जलाना है, तो पानी तो हमें लेना ही है। अब देखिए कटोरी में भी पानी ले ले रहे हैं भर के, बहुत ही प्यारा लगता है अगर आप इस तरीके से दीपावली में घर में दिए जलाते हो तो। ये देखिए हमें एक सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन से भी आप कैसे दिए जला सकते हो बिल्कुल बहुत ही सुंदर। तो इस तरीके सेफ्टी पिन को ले लेना है बड़े से, और खोल देना है इसको इस तरीके से। ठीक है, देखिए इसका बहुत ही अच्छा से यूज़ करते हैं आप, देखिए इसे कटोरी पर भी यूज कर सकते हो, दिए पर भी यूज कर सकते हो।
तो मैं दोनों तरीके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब हमें बाती को ले लेना है, ठीक है। अब ये देखिए हमने क्रॉस जो लगाया ना, इसमें बस इस तरीके से आपको डाल देना है। देखिए बाती को ज़्यादा बड़ा मत रखिएगा, इस तरीके से आपको बाती को रखना है। अब चाहे तो आप बाती को सिर्फ तेल से भिगा सकते हो, आपको तेल और डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए दूसरा जो है ना, हम इसमें डाल करके आपको बना करके दिखाने वाले हैं इस तरीके से। अब एक और जो है ना, हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे बाती को। देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा तेल ले लिया, देखिए इतने से तेल से आप रात भर दिए जला सकते हो। तो आपको करना क्या है, हमने देखिए बाती तैयार कर लिया। अब बाती को अच्छे से इसमें डीप करके भिंगा लेना है। ये देखिए पानी में डालने से पहले आपको अच्छे से बाती को देखिए इस तरीके से आपको गीला कर लेना तेल से, ठीक है। ये देखिए हो गया, इस तरीके से हमने कर दिया है, बाती को अच्छे से गीला कर लिया। अब आपको जो है ना तेल अलग से डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आप चाहते हो कि ज़्यादा देर जले, अच्छे से जलते रहे, उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा इसमें तेल डाल देना है। इसे अच्छे से डेकोर करने के लिए ना आप कटोरी में कुछ भी चीज़ें, जैसे आपके पास स्टोन वगैरह है ना, तो वो भी डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक गणपति जी पड़े हुए थे छोटू सा मेटल के, तो मैंने उसको भी डाल दिया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा डेकोरेशन के लिए हो गया। और अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा हमें इसमें तेल डाल देना है, ज़्यादा नहीं। तेल हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम जो है ना इसे ज़्यादा देर तक चला सकें। तेल जो है ना पानी के ऊपर तैरती रहेगी और आपका तेल भी कम लगेगा और बहुत ही अच्छे से ये जलती रहेगी बिल्कुल जितना देर आप चाहें। तो इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा सब में तेल को डाल दिया है। अब हम बाती को सेट कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए ये देखिए इस तरीके से बाती जो है ना ऊपर की ओर तैरती रहेगी। एक देखिए हमने सेफ्टी पिन से लगा लिया है, जो कि ये भी बिल्कुल बीचों बीच में रखेगी, बिल्कुल भी गिरने नहीं देगी। ये देखिए इस तरीके से अब मैं आपको जला करके दिखा रही हूँ। ये देखिए हमने बाती को जला दिया है। देखिए फ्रेंड इस तरीके से हमने दिए जला दिए हैं, बिल्कुल कितना कम तेल डाला है, आप इसे इस तरीके से जला करके देखिएगा। देखिए सेफ्टी पिन से आप इसे बीचों बीच में, आप इसे कटोरी में भी जला सकते हो, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ना ही बॉटल काटने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कुछ और, बस इस तरीके से दिए में फंसाइए और इसे कटोरी में भी जला सकते हो। इस तरीके से देखिए इसके जो है ना काफ़ी अच्छा स्टैंड बन जाते हैं, बिल्कुल बीचों बीच में दिए जलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब देखिए इस तरीके से हमने इसे डेकोर कर दिया, कहीं भी घर में सजा दीजिए कोने में, बहुत ही प्यारा लगने वाला, कितने अच्छे से जल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है तेल कम हो रहा है, आप फिर से इसमें तेल डाल सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों ये आइडिया हमें ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया तो आपको काफ़ी तक पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, इस दीपावली आप जरूर ट्राई कीजिएगा।